चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पेज नंबर 23 कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मिस्टर सेन इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस। मिस्टर सेन नाम का आदमी है, उसका कितना हाउस है बाबू? 3। 3 हाउस है उसका, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हाउस 1 ओनर्स रेसिडेंस, मतलब वो खुद रहता है। हाउस 2 टेनेंट्स रेसिडेंस, मतलब वो भाड़ा लगाता है। हाउस 3 टेनेंट्स बिजनेस, मतलब देखिए अब ये दोनों ही भाड़ा लगाया है। देखो हाउस 2 भी भाड़ा लगाया है, हाउस 3 भी भाड़ा लगाया है। हाउस 2 टेनेंट का रहने के लिए भाड़ा लगाया है, हाउस 3 टेनेंट का बिजनेस के लिए भाड़ा लगाया है। एक ही चीज है, बस घुमा फिरा के कंफ्यूज कर रहा आपको। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दिया हुआ है, रिपेयर चार्जेस दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन दिया हुआ है, किस पर्पस के लिए लोन दिया उसका पर्पस दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है मिस्टर सेन का फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। एकदम कंप्लीट सम्स है और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सम्स है, समझे ना। तो आपको कितना हाउस बनाना है बताइए, 3 हाउस, 1 हाउस, 2 और हाउस 3। तो हाउस 1 किस पर्पस के लिए बताइए, हाउस 1 किस पर्पस के लिए बताइए? ओनर्स रेसिडेंस। ओनर रेसिडेंस मतलब क्या हो गया, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओनर्स रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया बताइए? यस, ओनर्स रेसिडेंस का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या होता है बताइए? यस। तो ये जो हाउस है वो किस पर्पस के लिए बाबू बताइए? पहला हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, क्योंकि वो खुद रहता है। कौन खुद रहता है बताइए? मालिक, बोला ना ओनर्स रेसिडेंस। तो ओनर्स रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड। चलिए देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सम से पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बोलिए 2, पेज नंबर 23। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही करेंगे, निकालिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 23। चलिए क्वेश्चन निकाल लीजिए अपना अपना सामने, अपना अपना बुक में देखो। उसके बाद है हेडिंग क्या होगा, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डैश, लिख दे रहे पहले फॉर असेसमेंट ईयर डैश। इसको हमने हमेशा डैश ही छोड़ देते, क्वेश्चन में जो ईयर रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मिस्टर सेन, और ईयर क्या असेसमेंट ईयर 24 और 25। देखिए ठीक से देखिए क्वेश्चन, देखिए बुक में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, 24-25। देखिए चलिए अब एक एक करके बताइएगा, इंफॉर्मेशन बताइएगा, सम्स बनाते जाएंगे। चलिए देखिए चलो 3 कॉलम बना लीजिएगा। जब आप कंप्लीट सम्स बनाइएगा, बड़ा सम्स बनाइएगा एग्जाम के लिए, तो कितना कॉलम बना लीजिएगा बताइए? 3 कॉलम आप अमाउंट का अच्छे से बना लेना। यहां पर क्या होगा बताइए? पर्टिकुलर्स। यहां पे क्या होगा बोलो? रुपीज, रुपीस। और क्या बाबू? रुपीस। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन चेक करिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा हाउस है बनाएंगे बताइए? हाउस 1। हाउस 1 क्या बाबू? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिख दिए पहले, देखिए कैसे, अपना अपना बुक में ध्यान दीजिए। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, बोला ना ओनर्स रेसिडेंस। ओनर मतलब मालिक का रेसिडेंस, मालिक का रेसिडेंस मतलब क्या हो गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका स्टार्टिंग ही कहां से होगा बताइए? एनएवी। और इसका एनएवी क्या होता है? नील। नील लिख भी सकते हो आप या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहां पे आप नील लिखिए, चाहे ब्लैंक भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नील लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू? नील। ठीक है, इसके बाद इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। देखिए बुक में देखिए
अपना अपना बुक देखिए, डिडक्शन इंटरसेक्शन 24A की B 24B, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 24B किस चीज के बारे में बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसीलिए आपको हमने सेकंड क्लास में जो फॉर्मेट सिखाए थे वो बस एक कॉन्सेप्ट के लिए सिखाए थे, लास्ट क्लास में जो सम्स बनाए थे वो सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे आपको, क्योंकि सम्स मेनली आज बनाना है। तो इंटरेस्ट ऑन क्या हुआ? वो लोन। अपना अपना फैक्ट्स देखिए, अपना बुक में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पहला हाउस का कुछ है, देखो देख ले रहे हम भी, इंटरेस्ट ऑन लोन पहला हाउस का कुछ दिया हुआ देखिए। पहला हाउस का कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, तो पहला हाउस का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो लिखोगे? नहीं लिखोगे। लिखने का कोई पॉइंट बनता है? नहीं बनता है। मतलब इसका आंसर क्या? इसका आंसर क्या हो गया बाबू? नील। लिखिए नहीं लिखिए कोई बराबर नहीं। हाउस वन कंप्लीट, ठीक है। तीन पार्ट में आपको सम्स बनाना है। अब कौन सा पार्ट बनेगा बताइए? हाउस टू। देखिए हाउस टू, हाउस टू क्या बाबू? लेट आउट। टेनेंट को रहने के लिए, जैसे हम भाड़ा लगाए तो कुछ आदमी रहने के लिए घर दिए, ये क्या हो गया? टेनेंट्स रेसिडेंस। अच्छा अब आपको पूरा स्टेप्स बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। बताइए स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन जीएमवी और फेयर रेंट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो हायर होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? नेशनल नहीं, नोशनल रेंट। बताइए ग्रॉस म्युनिसिपल, म्युनिसिपल वैल्यू बोल के दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताइए? कितना दिया हुआ बोलिए? देखिए अपना अपना बुक में म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए? 30,000। और फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा बताइए? 30,000। उसके बाद स्टेप टू, देखिए खाली फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब क्या होगा बताइए? स्टेप टू, स्टेप टू में क्या बताइए? नोशनल रेंट और दोनों में से जो होगा, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगा। नोशनल रेंट कितना है बताइए? 30,000। और स्टैंडर्ड रेंट देखिए ठीक से, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया हुआ है। देखो स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आर ई आर कितना आ जाएगा बताइए? 30,000 रहता तो मैं कंपेयर करते, नहीं है तो वही वाला वैल्यू बैठा दीजिएगा, सिंपल। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम में डायरेक्टली आर ई आर लिख दिया 30,000 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपके ऊपर है कि हम लोग स्टेप फॉलो करके करते, इससे गलती आपका नहीं होगा, बहुत कम गलती होने के चांसेस रहते हैं। स्टेप थ्री बताइए, एनुअल रेंट माइनस, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? अच्छा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट रिसीव, कितना दिया हुआ बताइए? रेंट रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउस टू का, हाउस टू बना रहे ना, जो रेंट रिसीव दिया हुआ है 36,000, कितना दिया हुआ बताइए? रेंट रिसीव दिया हुआ 36,000। जब रेंट रिसीव दिया रहेगा ना तो नीचे देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहीं कोई वैकेंसी वैकेंसी है कि नहीं। बोला रेंट रिसीव है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब वो जो रेंट है वो पूरा 12 महीना का रेंट है, कोई वैकेंसी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी वैकेंसी रहता तब समझते कि वो 11 महीना का है 10 महीना का है, पूरा रेंट दे दिया रेंट रिसीव, तो और भी तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो रेंट रिसीव ही क्या बन जाएगा? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना बोलिए? कितना दिया हुआ है? 36,000। अनरियलाइज रेंट है नहीं, 36 माइनस नील कितना होगा? 36। बाबू साइलेंट दिए फोन। 36,000 स्टेप थ्री हो गया। स्टेप थ्री के बाद बहुत लंबा चौड़ा सम से देखिए ना, लेकिन हार्ड नहीं है, खाली स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप थ्री के बाद क्या होगा बताइए? स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या होता है बताइए? हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप फॉलो करने से क्या होता है ना कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कितना बोलिए? टू में 36 है और टू में 30 है, थ्री में 36 है, दोनों में बड़ा कौन सा बताइए? 36,000 देखिए लिख दिए। स्टेप फाइव क्या है बताइए? लेस लॉस ड्यूटी वैकेंसी। क्वेश्चन में देखिए कोई वैकेंसी पीरियड बोल के कुछ है? वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या पढ़ाई थे? जितने दिन आपका घर खाली है, कोई है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो मेरा आंसर आया ये मेरा क्या आ जाएगा बताइए? जीएवी। क्या आ गया बताइए? जी जीएवी कितना हो गया? 36,000। जीएवी का फुल फॉर्म क्या याद करिए? यस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया बोलो? 36,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद क्या होता है बताइए? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स।
लेकिन म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के सामने टाइम में दो बात याद रखिएगा, इट मस्ट बी पेड पेड बाय द ओनर। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा पढ़िए ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना बोलो? 3000। चुपचाप से 3000 लिख दीजिए, यही तो हम लोग चाहते हैं कि ओनर पे करे। तो जीएबी 36 में से 3 गया तो एनएबी कितना है? 33000। ओके, उसके बाद क्या होता है रूल बताइए, एनएबी में से क्या माइनस होगा बाबू? डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहले क्या होगा, ए का रूल क्या है? 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30%, 33000 का 30% बोलिए, ठीक से बोलिए, 9900। और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या फिर नहीं दिया, बस इतना देख लीजिए। नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है कि नहीं दिया, देखिए कितना रुपया दिया बोलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है कि नहीं दिया, देख के बोलिए बुक में कि दिया कि नहीं दिया, कितना दिया बोलिए? 3000 दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, पक्का ना? क्या पर्पस क्या लिखा वो भी पढ़ लीजिए थोड़ा, कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब पर्पस भी इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसीलिए ले रहे हम लोग 12900 दोनों जोड़ करके। हाउस प्रॉपर्टी वन कंप्लीट कितना आएगा बोलिए? 20100। हाउस वन कंप्लीट, हाउस वन में और कुछ नहीं, हाउस वन का खेला से, सॉरी हाउस टू कंप्लीट, हाउस वन में तो ऐसे भी कुछ नहीं था, बस समझे ना, हाउस टू कंप्लीट। अब क्या होगा बताइए, हाउस थ्री, हाउस थ्री में बोला है टेनेंट्स बिजनेस, टेनेंट को दिए बिजनेस करने के लिए, ये भी आएगा। देखिए तीन हाउस दिया है, याद रखिएगा अगर ओन बिजनेस करेगा, मतलब अगर उसका घर है और वो खुद बिजनेस करता तो उसका टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता। अगर कोई सम्स बना रहे आप अचानक से उसमें दे दिया ओनर्स ओन बिजनेस, अगर ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है इसमें हम खुद कोचिंग पढ़ा रहे तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये हाउस थ्री टेनेंट्स बिजनेस, टेनेंट्स बिजनेस समझते हैं, ये भी लेट आउट ही हो गया ना। हम जैसे ये कोई हमको भाड़ा में दिया दुकान खोलने के लिए, दे दी किसी को, तो बिजनेस ही हो गया ना। भाड़ा में कोई रेस्टोरेंट खोल के रखा हो तो बिजनेस ही हो गया। तो लेट आउट है, ये भी लेट आउट कैटेगरी में है। अब लेट आउट का कैलकुलेशन फिर से सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताइए आपको हम पहले ही बोले कि आज से जो सम्स करेंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड। बोलिए पहला के स्टेप क्या होगा, देख देख के याद हो जाएगा आपको लिखते लिखते। जीएमबी और दोनों में से जो जल्दी देख के बोलिए, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? ठीक से देखिए 20000। फेयर रेंट नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? नोशनल कितना हो जाएगा बोलो? समझ रहे हो ना, जब कुछ नहीं दिया है तो कंपेयर करने दरकार ही नहीं। 20000। उसके स्टेप टू बोलिए बोलिए बोलिए, नोशनल रेंट और दोनों में से जो लोअर होगा। 20000 नोशनल और स्टैंडर्ड कितना? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, देखिए दिया कि नहीं दिया देख लीजिए, नहीं दिया ना, तो ये क्या आएगा? आर ई आर का फुल फॉर्म बताइए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फॉर्म आपको 4 से 5 तो सम्स बनाओगे ना, पूरा फॉर्मेट याद आएगा, वर्ड टू वर्ड याद आएगा। देखिए बिना देखिए फॉर्मेट मारते जा रहे हैं, फॉर्मेट याद हो जाएगा। स्टेप टू हो गया, स्टेप टू के बाद क्या होगा बताइए? अब एक ही सम्स में तो दो बार आप फॉर्मेट बना रहे एक ही जैसा, तो याद नहीं होगा। स्टेप टू के बाद क्या होगा बताइए? स्टेप थ्री में क्या बोला बताइए? एनुअल रेंट माइनस एनुअल रेंट, एनुअल रेंट माइनस। इस क्वेश्चन में नहीं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है नहीं हमको उससे मतलब नहीं, इससे क्या होगा कि आपका गलती नहीं होगा सम्स, या फॉर्मेट में कोई जो आइटम दिया होगा लिखोगे, जो नहीं दिया नहीं लिखोगे। तो एनुअल रेंट कितना दिया हुआ बोलिए? एनुअल रेंट बोल के नहीं दिया, बोला रेंट रिसीव। लेकिन कोई वैकेंसी दिया क्वेश्चन में? देखिए कोई वैकेंसी दिया है? नहीं दिया। ओके तो एनुअल रेंट कितना? तो वही, अगर कोई वैकेंसी नहीं दिया मतलब जो रेंट रिसीव हुआ वो पूरा साल भर का ही है, 24000। अनरियलाइज कुछ है नहीं, 24000। चलिए स्टेप फोर बोलिए, हायर ऑफ स्टेप टू एंड थ्री कितना कितना बोलिए? 24000। नहीं, हम दूसरा चीज देख रहे, देखिए यहां पर रोमन लिखेंगे तो वहां पे हमको रोमन लिखना होगा, यहां पर जो नॉर्मल लिखेंगे तो वहां पे भी नॉर्मल लिखना होगा। जो लैंग्वेज फॉलो करेंगे दोनों तरफ करेंगे ना। स्टेप फोर तो देखिए अब क्या होगा, हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। टू और थ्री में बड़ा कौन सा बोलो? बोलो ना,
24,000 बड़ा है, कितना बड़ा है बाबू 24,000। स्टेप फाइव क्या होगा बोलिए, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कुछ दिया है क्वेश्चन में बोलिए, नहीं दिया तो क्या आ जाएगा बोलो, खुल जाओ गेट पे आए, जीएवी कितना होगा बताइए, 24,000। अब 24,000 में से भी कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा बोलिए, हाँ जी तो खत्म हो गया यार, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए, पूरा लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना बोलिए, 2,000 रुपया। तो क्या आ जाए, 24 में से दो गया कितना हो जाएगा बताइए, सम्स देखिए कितना ही अच्छा सम्स है कि हर चीज इसमें कवर्ड है, तो एनएवी आ जाएगा कितना, 24 में से दो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए, 22,000। और 22,000 में से फिर हम लोग लेस करेंगे क्या बताइए, देखिए आप आंख बंद करके याद हो गया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए और बी, ए का रूल क्या है 30% ऑफ 22,000 का 30% मारिए 6600, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन, अब यहां पे रुक जाइए, क्वेश्चन तो लिख दिए, वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले रूल जो है वो तो लिखना पड़ेगा ना, अब उसके देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन में लिखा हुआ फॉर रिलेटिव्स मैरिज, वो अपना रिलेटिव का शादी के लिए 1,500 रुपया मतलब लोन लिया होगा, जितना भी लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट वो कितना दे रहा बताइए, 1,500 रुपया, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताइए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से आपको लेना देना नहीं, आप रिलेटिव का मैरिज के लिए लीजिए चाहे अपना बेटी का मैरिज के लिए लीजिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आ रहा है। देखिए इस पूरा सम्स का यही सबसे की पॉइंट्स है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया हुआ है, सीयू के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, अब यहाँ पर स्टूडेंट बनाते बनाते यहाँ पे गलती कर देगा, क्या गलती कर देगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेगा जो कि नहीं लेना है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इस लोन का कोई लेना देना नहीं, ये जानबूझ के दिया गया था, ये सीयू में दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो 6,600 बोले कितना हो जाएगा, 15,000 बाबू 400 के 15,400, तो 15,400 ले लिए, उसके बाद क्या होगा बताइए, 15,400 फर्स्ट हाउस का हुआ, और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस में तो नील था, सेकंड हाउस में आया आपका 20,000 समथिंग आया था, देखिए कितना आया था देख लीजिए, सेकंड हाउस में आया था 20,100, और थर्ड हाउस का फाइनल वैल्यू आया है 15,400, तो इसका आंसर होगा ऐसे लिखेंगे, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज 20,100 और 15,400 कितना 35,500 उतार लीजिए बोलिए ना। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया सम्स बन गया, अब इस पूरा सम्स में हम लोग कुछ चीज यूज नहीं की, जब पूरा सम्स हम लोग बनाए तो बुक में देखिए और भी कुछ चीज दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ देखिए, रिपेयर चार्जेस दिया हुआ और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ, लेकिन उसको नहीं ली, क्योंकि रिपेयर चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, वो सबका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जब अब सम्स खत्म हो जाएगा मेरा, सम्स खत्म होने के बाद आपको देखो टैक्स में ना, सम्स खत्म होने के बाद जिन आइटम्स को आपने नहीं ट्रीट किया उसको नोट बोल के लिखना चाहिए, उचित होता है नोट बोल के लिखना चाहिए, यहाँ पे वर्किंग नोट वर्ड यूज नहीं होता टैक्स में, टैक्स में वर्ड क्या यूज होता है नोट, अकाउंट्स में वो वर्किंग नोट बोलते हैं, कॉस्टिंग को वर्किंग नोट बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज क्या यूज करते हैं नोट, नॉट द वर्ड वर्किंग नोट, नोट क्या है इस पे, पहला नोट ये है कौन कौन सा आइटम नहीं लिए देख के बताइए बाबू, पहला आइटम क्या नहीं लिए, रिपेयर चार्जेस नहीं लिए, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे देखिए रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं, तो दो नोट बनाना पड़ेगा, इंश्योरेंस हाँ इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, आपको हम और भी बता दे रहे देखिए रिपेयर चार्जेस इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राउंड रेंट इस सब का कोई यूज नहीं, इस सब का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई यूज ही नहीं होगा, कन्फ्यूज करने के लिए दिया जिससे क्योंकि आपको लगेगा रिपेयर है तो लेंगे, आप ले लोगे जिसको नॉलेज नहीं हो तो ले लेगा एग्जाम में गलत हो जाएगा, आप इतने दिन सम्स किए इतना मतलब जितना भी क्लास किए कभी देखिए इस वर्ड का कोई ट्रीटमेंट है, अगर रहता तो पढ़ाते आपको, बस इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं कोई यूज नहीं। दूसरा हम लोग क्या किए बताइए, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन इन हाउस प्रॉपर्टी 3 इसे नहीं लिखोगे ना एग्जाम में कट जाएगा मार्क्स, हाउस प्रॉपर्टी 3 हैड नॉट बीन कंसीडर्ड, व्हाई क्यों नहीं लिए भाई बताइए, वो आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडर्ड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पर्सनल लोन, हो गया लैंग्वेज कुछ भी हो मीनिंग सेम होना चाहिए,
पर्सनल लोन। अब जब आप सम्स बनाओगे या खुद भी रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो सम्स बनाने के बाद आप देखोगे रिपेयर्स नहीं लिए, इंश्योरेंस नहीं लिए, तो आपको उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, रिपेयर इंश्योरेंस इसमें अलाउड नहीं होता। फिर आपके मन में आएगा इंटरेस्ट और लोन तीसरा हाउस में नहीं लिया, तो उसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्यारा सा सम्स कंप्लीट हो गया। आप आराम से आप इसको उतारिए, कोई छाप नहीं है। देखिए नंबर देख कर, नंबर यही है ना जो आपको देख लिया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा, लॉगिन करिएगा, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। ओल्ड सिलेबस आ रहा है, फिर से पढ़ाई क्यों लगा, वो सिलेबस पढ़ाई होता ही नहीं। ओके ओके ठीक है, ऐप में देखिए ऑल कंटेंट आप एडिट हो ना, नाम सेमेस्टर मोबाइल नंबर भेजिए, ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, हम आपको ऐड कर देंगे। आपको 100 से 600 रुपए से करिए, इसीलिए जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे बनाना वाला तब तो करेंगे। अब वहां पे देखिए मिला कितने ऐड किए हुए, देखिए ऑल कंट्री में ऐसे करो, देखिए ओके ओके ऑफ ऐप जीके से बोल के ऐप वो डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, हम ऐड कर दें।
चेंज करें क्या? चेंज कर दे क्या आप?
नेक्स्ट करें क्या आपको? चेंज करी क्या हो?
हो गया आपको एक सेकंड सर।